नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विजय फॉर यू में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लैपटॉप में अगर हार्ड डिस्क डायनेमिक हो जाती है तो उसे कैसे आप बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायनेमिक होने से क्या होता है कि आप उस लैपटॉप को फॉर्मेट नहीं कर सकते, रीइंस्टॉल नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने विंडोज 7 चढ़ा रखी है और आपका हार्ड डिस्क डायनेमिक हो गया है, तो आप उसमें कोई दूसरा विंडोज लोड नहीं कर सकते जब तक कि वो बेसिक डिस्क में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया और पूछा है कि जब हार्ड में डायनेमिक हो जाए तो कैसे उसे बेसिक करते हैं। तो चलिए मैं पार्ट बाई पार्ट में बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप डायनेमिक को बेसिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है और मैं अभी माय कंप्यूटर में राइट क्लिक करके मैनेज में जा रहा हूं। मैनेज में जाने के बाद मैं आप डिस्क मैनेज में जाएंगे। ये देखिए, ये जो मेरा हार्ड डिस्क है वो 500 GB का है और यहाँ पे डायनेमिक लिखी है। जब तक ये डायनेमिक नहीं हटता तब तक हम इसे फॉर्मेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, कोई दूसरा विंडोज़ नहीं डाल सकते। तो अब हम लोग इसे बेसिक में कन्वर्ट करेंगे। तो लैपटॉप को सबसे पहले बंद कर लें और फिर उसका हार्ड डिस्क निकाल लें। लैपटॉप का हार्ड डिस्क खोलने के लिए आप पीछे ये ढक्कन आप हटाएंगे, दो स्क्रू हैं। कैसे निकाल, अब देख सकते हैं ये रही हार्ड डिस्क, ये रहा हार्ड डिस्क का केबल और यहाँ पे 1, 2, 3 नट टाइट है। तो आप ये नट को भी खोल लेंगे। ये मैंने खोल लिया है और अब ये केसिंग से मुझे ये 4 नट निकालने हैं, 1, 2, 3, 4 नट वो भी निकाल लेते हैं। ये चारों तरफ की नट मैंने खोल लिया है और ये आप देखेंगे कि हार्ड डिस्क सब इससे बाहर आ जाएगा। इसे बाहर निकाल लें। अब इस हार्ड डिस्क को हम एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क केस में साटा कन्वर्टर टू USB में डालेंगे इस तरीके से, और केबल को हम कनेक्ट कर देते हैं केसिंग से और एक लैपटॉप से हम लोग जोड़ देंगे। तो अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस हार्ड डिस्क को जोड़ दिया है, ये रीड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे मैनेज में जाएंगे। अब डिस्क मैनेज में जाना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डिस्क, अपना जो खुद लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क है वो 500 GB की है, डिस्क 0 जो यहाँ बेसिक है जो उसमें डायनेमिक आ रही थी, और ये है हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो हमने लगाया है अभी यहाँ पे एक्सटर्नल केस के थ्रू, तो यहाँ पे डायनेमिक आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसमें राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट टू बेसिक डिस्क। देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है और कन्वर्ट टू बेसिक डिस्क में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो डाटा है वो लूज़ हो जाएगा बेसिक डिस्क कन्वर्ट करने में, तो और कोई उपाय नहीं है, तो डाटा जाए लेकिन हार्ड डिस्क आपका बच जाएगा, तो आप यस कर देंगे। ये देखिए
अब क्या है कि हमारा हार्ड डिस्क जो है वो बेसिक में कन्वर्ट हो चुका है 500 GB की, और अब हम इसको अपने लैपटॉप में लगा के विंडोज 7 या विंडोज 10 कोई भी सॉफ्टवेयर हम आराम से डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।